नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जिला हरदोई के ग्राम गंभीरपुर बघौली में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्दिवस में असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज अनूप ठाकुर जी महाराज ने कहा, कृष्ण का मतलब है सभी को आकर्षित करने वाला। व्यास अनूप ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्म की कथा का विस्तार से वर्णन किया। कथा के दौरान पूरा पांडाल ब्रज में ही हो रही जय जयकार और नंदघर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की जैसे भजनों से पूरा पांडाल गूंज उठा। भागवताचार्य ने कहा कि जब जब की हानि होती है इस पृथ्वी पर, तब तब भगवान अधर्म का नाश करने और धर्म की पताका फहराने ऋषियों मुनियों के लिए स्वयं आते हैं। कंस के अत्याचार और संतों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागृह में अवतार लिया। जन्म के समय माया से सभी पहरेदार सो जाते हैं एवं कारागृह का ताला खुल जाता है। वासुदेव यमुना पार करके कृष्ण को गोकुल में पहुंचा आते हैं। वहां से योग माया रूपी कन्या लेकर आते हैं। उसने कंस को याद दिलाया कि अब उसका अंत निश्चित है। यहां गोकुल में जैसे ही नंद बाबा यशोदा ने भगवान को देखा तो सब कुछ बलिहार कर दिया और फिर बड़ी खुशी से जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर पीयूष मिश्रा, परीक्षित ठाकुर, प्रसाद सपत्नी, अर्जुन लाल, मन्नी लाल, आयुष राज, पंकज प्रभास, सूरज, आलोक पल्लवी आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से प्रमोद सिंह की खास रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।